हेलो, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको आज जो भी कुछ मिल रहा है, आपके जीवन में आज जो भी कुछ हो रहा है, वो आपने अतीत में जो चुनाव किया, जो निर्णय लिया, जो चॉइस किया, उसके वजह से आज जो मिल रहा है वो है। तो आज हम देखते हैं कि आज जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपका अनुभव है, जो भी आपको मिल रहा है, वो आपने अतीत में क्या किया, आपने कैसी प्रतिक्रिया दिया, उसकी वजह से आज मिल रहा है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। लोग मेरे पास में काउंसिलिंग के लिए आते हैं, डिप्रेस रहते हैं, बोलते कि मेरे लाइफ में आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पता नहीं मेरा लक ठीक नहीं है, मुझे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आपने जो भी अतीत में किया, जो भी चुनाव किया, आपने अतीत में जो भी हुआ उसको कैसी प्रतिक्रिया दिया, उसकी वजह से आपको जो भी आज मिल रहा है वो मिल रहा है। घटना तो होती रहती है, वो घटनाओं को हम प्रतिक्रिया कैसे देते वो महत्व का है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर कि आपको 20,000 रुपये तनख्वाह मिली, आपने तनख्वाह लिया, पहली तनख्वाह है, आपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुला के 20,000 रुपये की एक पार्टी दे दिया और 20,000 रुपये एक रात में उड़ा दिए, तो तनख्वाह मिली है, घटना है, प्रतिक्रिया आपने दिया उसको, रेस्पॉन्स दिया, वो रेस्पॉन्स क्या दिया, पार्टी दे दिया। दूसरे दिन सवेरे आपके पास में क्या है, जीरो बैलेंस है, आर्थिक दृष्टि आप टूट चुके हैं, आपके पास में 1 रुपया भी नहीं है। अब दूसरी घटना देखो, आपकी पहली सैलरी हो गई, आपकी पहली तनख्वाह हो गई, 20,000 रुपये आपको मिले, आपने वो 20,000 रुपये को एक म्यूचुअल फंड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर दिया, आपको क्या मिला, आपकी संपत्ति बढ़ गई। घटना एक ही है, मगर आप रिस्पॉन्स कैसा देते हैं उसके ऊपर आपको आज जो भी मिलने वाला है वो है। तो आपने अतीत में क्या किया, तीन चीज़ें हैं कि आप कौन सी कल्पना करते हैं, आपकी सोच क्या है, नंबर एक आपकी कल्पना कौन सी है, आप क्या कल्पना करते हो, विजुअलाइज क्या करते हो आपके लाइफ में, नंबर दो आपकी सोच क्या है, मतलब आपके विचार कैसे हैं, और नंबर तीन आप कृति कौन सी करते रहते हैं, आप कौन सी एक्शंस लेते हैं, आपके बिहेवियर कैसे है, आपका बर्ताव कैसे है, उसके ऊपर है। तो आपको आज जो भी आपके लाइफ में मिल रहा है, जो भी आपके लाइफ में आप उत्पादन कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में आपको अनुभव आ रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको जो भी आज मिल रहा है, आपको जो भी आप अनुभव आ रहा है, वो आपने अतीत में क्या चुनाव किया है उसके वजह से आज जो मिल रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको भविष्य में कुछ आपको चाहिए, जो भी कुछ चाहिए भविष्य में, उसके लिए आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो आज आप जो भी करोगे उससे आपका भविष्य क्रिएट हो जाएगा। जो भी एक्शंस आप लोगे, जो भी बर्ताव आप करोगे, जो भी बिहेवियर आपका आज होगा, जो भी विचार आप आज करोगे, जो भी रेस्पॉन्स आप देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्शंस देंगे, आपके विचार जो होंगे, आपका विजुअलाइजेशन जो होगा, उसकी वजह से आपको जो भी मिलना है फ्यूचर में वो मिलेगा। तो आपकी सोच बदलो, मतलब आपके विचार बदलो, निगेटिव टू पॉजिटिव सोचते जाओ, आपकी कल्पना जो है, विजुअलाइजेशन जो है, ड्रीमिंग जो है, सपने जो है वो बदलो, आपकी आदतें बदलो। हो सकता है कि आपकी आदत प्रोक्रास्टिनेशन की होगी, टालम टाल करने होगी, एक्शन लेने की नहीं होगी, कल पे ढकलने के ऊपर होंगी। आपकी आदत हो सकता है टीवी देखने में 2-3 घंटे, या फेसबुक में, या व्हाट्सएप पे होंगी। आपके दोस्त कौन से वो बदलो, अच्छे दोस्त के बीच में जाओ। ऐसा बोला जाता है कि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो आपके आजू बाजू में 5 लोग जो है उनका एवरेज है। तो आपके दोस्त बदलो, आपकी बातचीत बदलो, जो भी करना है वो आज करो, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो आप क्रिएट कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही है कि जो सोचेंगे आप, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे आप, अच्छा अच्छे सपने देखेंगे आप, अच्छा प्लान करेंगे आज, एक्शंस लेंगे, तो उससे आपका फ्यूचर का निर्माण होगा। तो ये आज के लिए इतना ही है। ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आपको जो मतलब बेल आ जाएंगे ना, बेल का चित्र आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको उसकी इंटीमेशन आ जाएंगी।
अब आपके लोगों के ऊपर फेसबुक का ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसके ऊपर भी शेयर करो ताकि लोग ये वीडियो सुन के उनका फ्यूचर का निर्माण कर सकेंगे, उसके ऊपर आज एक्शन लेंगे। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, सबको शक्तिशाली बनाना, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और ज़रूर उसको शेयर करना लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।